वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड, दिस इज योर कार थोड़ी। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसा खास ना, हमेशा आप लोग मुझसे डिमांड करते हैं हमें कुछ चाहिए चटपटा, और चटपटा आपको खिलाने वाली हूँ मैं बहुत ही कम प्राइसेस में। इससे पहले कि देर हो जाए आपको दिखाते हैं मैं कहाँ खड़ी हूँ और बताते हैं, मगर उससे पहले आप देख लीजिए एक स्मॉल कार्ट यहाँ पर हमारी लगी हुई है, एक वैन के अंदर जो ये हमारे अंकल जी हैं 25 साल से इस कार्ट को चला रहे हैं। बहुत ही स्मॉल कार्ट है और टेस्ट में कुछ इनका ना कॉम्प्रोमाइज नहीं रहने वाला है। इतना स्मॉल कार्ट गाइस आप देख सकते हो, इसके साथ जो 25 साल से यहाँ पर ये शॉप लग रही है ना इनकी, मतलब आप एक बार नजर मार लो चारों तरफ, इतना क्राउड रहता ना गाइस यहाँ पर, मतलब जिसका भी चटपटा खाने का मन करता है कम प्राइसेस में सब लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। चलो इससे पहले कि देर हो जाए एक बार बात करते हैं इनके ऑनर से। हेलो जी, जी मैं थाने के दीवाने की तरफ से हूँ। कितने साल पुरानी आपकी ये शॉप है? 25 साल हो गए गाइस, आप देख सकते हो इस वक्त 25 साल हो चुके हैं इनको यहाँ पे आए हुए, तो सोचो और इतना क्राउड अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो कैसा टेस्ट रहने वाला है। इससे पहले मैं टेस्ट करती हूँ, एक बार पानी में टेस्ट करा दीजिए ना मुझे। गाइस आप देख सकते हो हमारी भल्ले की मेकिंग हो रही है, और आप देख लो जरा, मतलब क्या है, आप देख सकते हो छोटी सी वैन के अंदर आपको कितना कुछ मिल सकता है। भले आप देख सकते हो छोटा सा कार्ट है, बट आई डोंट बिलीव सो कि आपको इस कार्ट में ना कुछ भी ऐसा टेस्ट में जो है कमी मिलने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। लाल चटनी जो जा रही है इसके अंदर, ये किस चीज की लाल चटनी है? इमली की और सौंठ की भी है। इमली की सौंठ होती है प्रॉपर। अच्छा, इमली और सौंठ की। गाइस एक बार आप दही की तरफ नजर मारिए, कितना गाढ़ा दही है, बट क्या बात है, क्या बात है। ये हरी चटनी देखो एक बार, मजा आ गया यार, लाजवाब एकदम, ऐसा मजा आने वाला है इसको जो भी खाएगा। गाइस आप देख सकते हो इन्होंने पहले ही से यहाँ पे मेकिंग करके चार गोल गप्पे डाल के रखे हुए हैं, जिस तरीके से आप देख सकते हो भैया अभी हमारे रेडी कर रहे हैं। ये डर चले गए, इसके अंदर व्हाइट छोले और ब्लैक चने, दोनों तरह के चने इसके अंदर जा रहे हैं, साथ ही में जा रहे हैं हमारे आलू। वाह क्या बात है, ये देख सकते हो पानी। गाइस आप पानी की तरफ नजर मारिए एक बार, ये देखते ही पता लग रहा है कितना चटपटा रहने वाला है ये हमारा पानी। और आप देखो इस तरीके से रहती है इनकी ये मेकिंग, ऑलरेडी ये गोल गप्पे रेडी रखते हैं यहाँ पर, और इसके साथ ही ये बनाकर रखते हैं, उसमें डालते हैं अपना सॉल्ट, ब्लैक चना, व्हाइट चना, और डालते हैं गोल गप्पे। गाइस अभी आप देख सकते हो ये होने वाली अपनी भल्ले पापड़ी की मेकिंग, क्या बात है, तो अनोखा तरीका है। अच्छा इससे कुछ अलग, ओके ओके, इसमें डिप करेंगे इसको, और डिप करने के बाद जाएगी अपनी पापड़ी अपनी प्लेट्स में। कितने साल पुरानी वैसे भैया आपकी ये कार्ट है? 25 साल। 25 साल हो गए इसको, क्या बात है। तो आपको दिल्ली में ही आप रहते हो, दिल्ली के बॉर्न बॉटम है यहाँ? बिल्कुल जी, दिल्ली में प्रॉपर यही रहते हैं। देख सकते हो जी गाइस आप इनको, ये जो दिल्ली में ही रहने वाले हैं, बट इसका नाम जो है अपना सिंधी केटर्स के नाम से इन्होंने रखा हुआ है। भल्ले पापड़ी की जो हमारी प्लेट रहने वाली है उसका प्राइस रहेगा हमारा 100 रुपए, और आप देख सकते हो स्पेशल वाली भल्ले पापड़ी अपनी रेडी हो रही है, दो दो पापड़ी के पीस जा रहे हैं, एक भल्ला। कम खाना चाहे तो हाफ भी है। अच्छा ये हाफ है, ये अभी फुल लग रहा है? हाँ। ये हाफ प्लेट है, फुल है? हाँ। गाइस हाफ जो लग रही है अपनी, आप देख सकते हो एक भल्ला दो पापड़ी, और कोई कमी नहीं रहने वाली, मसालों का कोई भी हेर फेर नहीं होने वाला है, प्रॉपर तरीके से आपको मसाले मिलने वाले हैं। ये जाने वाली, अच्छा ये खट्टी मीठी रहने वाली है। बारी आ चुकी है अपने दही में भीगे हुए भल्ले की, और हमने इसको दबा दिया है, लाजवाब रहने वाला है तो बिल्कुल, देख के मैं तो एक्साइटेड हो रही हूँ इसको खाने के लिए बहुत ज्यादा। हरी चटनी किस चीज की बनती है आपकी? इमली की। हरी चटनी भी इमली की बनती है, उसमें क्या डालते हैं साथ में आप? गुड़ और चीनी। अच्छा हरी चटनी में भी गुड़ चीनी? नहीं नहीं नहीं, मीठी चटनी। मीठी चटनी में गुड़ और चीनी जाएगा? हरी चटनी, पुदीना, हरी मिर्च, अदरक की होती है। ओके गाइस आप ये दही देख सकते हो एक बार, जरा नजर मारो क्या गाढ़ा गाढ़ा दही है, ये एकदम चिल्ड रहने वाला है ये दही आपका। और इस बारिश के मौसम में ये देखकर किसके मुंह में पानी ना आए, दिस इज सो मच टेम्पटिंग यू नो, मैं तो इतना वेट भी नहीं कर पा रही हूँ कि ये प्लेट्स रेडी हो और मैं इसको खाऊं। और इस वक्त आप इनकी कार्ट पे देख सकते हो रश भी बहुत ज्यादा है, शाम का टाइम है, बारिश का मौसम है, और यू नो चटपटा खाना तो अपना इंडियंस का फेवरेट है ही सही, दिल्ली का बेस्ट, दिल्ली का बेस्ट भी है। और इसका नाम जैसे सिंधी फेमस, तो इसमें ऐसा क्या टच आपने दिया जो इसका नाम सिंधी वो है? मेरे नाम से लोग आते हैं। अच्छा आपका नाम ही है?
गाइज आप देख सकते हो छोटा सा बच्चा भी आया है इस शॉप पे ये खाने के लिए। और अभी आप ये कार्ट की तरफ नजर मारिए एक बार, और इस तरीके से यहाँ पे गाड़ियां भी रुकती हैं और रुकने के बाद लोग इंजॉय करते हैं। अब मौसम की तरफ एक बार नजर मारिए, और इस मौसम के अंदर आपको ये भल्ले पापड़ी खाने का मन तो जरूर करने वाला है। ये कौन मैं है? भी जल्दी से लगवाती हूँ अपने लिए एक प्लेट और टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं फिर कैसे रहने वाला है अपना। गोलगप्पे खाऊंगी गाइज, मैं तो गोलगप्पे की फैन हूँ। गाइज ये लगकर रेडी हो चुकी है मेरी गोलगप्पे की प्लेट, एक बार जल्दी से इसको ट्राई करते हैं। एक नंबर, मजा आ गया, अमेजिंग, लिटरली आई डोंट हैव वर्ड्स गाइस। इतने गोलगप्पे खाए मैंने, पर्सनली आई सजेस्ट यू एक बार आओ और यहाँ पे ट्राई जरूर करो, आपको रेडी बहुत मजा आने वाला है। पर इस गोलगप्पे के पानी में जो टेस्ट है ना, आपको नहीं मिलने वाला कहीं। ये जितने कस्टमर आए हैं सारे रिपीट वाले हैं, ये आपके डेली के कस्टमर हैं। इमली के फ्लेवर के पीछे, इमली के फ्लेवर के लिए आते हैं। तो मतलब कुछ तो बात है आपके खाने में और आपके हाथों में। गाइस मुझे जो टेस्ट आ रहा है ना गोलगप्पे, एकदम खस्ता कुरकुरे। आप देख सकते हो बारिश का मौसम है, समटाइम होता है कि हमारा खाना ना सिल जाता है, सिलने से हो जाते हैं, क्योंकि हमारा खाना बचा रह जाता है। आई डोंट थिंक सो, इधर मुझे लगता नहीं है कि कुछ बचने वाला है। और इसके अंदर जो पानी का टेस्ट आ रहा है ना, खट्टा मीठा, और आप देख सकते हो बारिश भी पड़ रही है, अमेजिंग वेदर है। वेदर के साथ साथ मैं इंजॉय करी अपने गोलगप्पे। मुझे इसके मीठे पानी में जो टेस्ट आ रहा है, एकदम सॉफ्ट इमली का एक मिठास, और जैसे ही इन्होंने इसके अंदर हरी चटनी भी डाली है उसके अंदर मुझे प्योर पुदीने का फ्लेवर आ रहा है। गाइस कुछ भी ऐसा नहीं है कि ऐसे कलर डाल के इन्होंने गाढ़ा किया हुआ है चटनी को, प्योर मुझे टेस्ट आ रहा है। व्हाइट चने, ब्लैक चने, आलू, अरे यार 30 रुपए में इतना कुछ। आई नो गोलगप्पे मिल जाते हैं और भी जगह, बट गाइस एक स्मॉल काट के ना अलग ही बात होती है, और सीरियसली इसका बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। तो मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, मैं इसको ट्राई करती हूँ, खत्म करती हूँ, दिखाती हूँ आपको क्या बन रहा है नेक्स्ट। अदरक पुदीने वाला पानी। ओके, कितने तरह का पानी है आपके पास? है दो तरह का पानी है। इस पानी के अंदर क्या क्या आप लोग डालते हो? तो बेस इमली का होता। अच्छा, और इसमें पुदीना, अदरक और हरी मिर्च डालते हैं। मैं इसको ट्राई करती हूँ, तब तक आप हमारे फ्रेंड्स को बताइए आपका एड्रेस क्या है ताकि वो आपके पास आ सके। हम सुभाष नगर मेन मार्केट के गुलचक्कर पे खड़े होते हैं। आपने जैसे बताया 25 साल से आप यहाँ पर लगा रहे हैं ये वैन को, आपके मन में कैसे विचार आया कि मतलब आप एक छोटे से वैन के अंदर इस कार को चलाएं और अपना बिजनेस स्टार्ट करें? थोड़ा साफ सुथरा काम करना चाहता था। अच्छा, गाड़ी से बेटर मेरे को कुछ भी नहीं लगा, गाड़ी में लगाना साफ सुथरे काम के, क्योंकि आप एक रेडी होती है या एक दुकान होती है उसके लिए भी आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ये गाड़ी में इन्वेस्ट किया है। तो आपका फुटफॉल जैसे कि मैंने देखा यहाँ बहुत रश रहता है, तो इससे आपका गुजारा जो है दिन का बहुत अच्छे से रहता है? अभी रश लगेगा, मतलब चलो भगवान की अच्छी कृपा आपके ऊपर है। और आपका एक दिन में मतलब कितना मटेरियल लग जाता है? इनकम टैक्स वाले पीछे पड़ जाएंगे मेरे। ओह माय गॉड। ओके गाइस आप देख सकते हो मतलब इतना फुटफॉल यहाँ रहता है। चलो अपना पानी ट्राई करते हैं। गाइस मुझे इसके अंदर ना हींग का टेस्ट आ रहा है। सबसे पहले मैंने इनका ये अदरक वाला, जैसे इन्होंने बताया पानी है, बेस इन्होंने बताया था इमली का है, पानी थोड़ा खट्टा है, खट्टे के साथ इसमें ना हींग का टेस्ट आ रहा है जो बहुत ही रेयरली आपको मिलता है। तो आप पानी के एक बार देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, कलर इसके अंदर जो है हींग का मुझे ज़्यादातर टेस्ट आ रहा है, और शायद इसके अंदर पुदीना भी यूज़ किया गया है। सबसे पहली बात ये चिल्ड है, एकदम बिल्कुल चिल्ड मिलने वाला आपको ये पानी। एक बार आपको मैं क्लियर करा दूं भैया से, अगर आप गोलगप्पे लेते हैं पानी अलग लेना होता है ना? नहीं नहीं, पानी बीच में ही है। ओके, पानी बीच में ही है। अगर आपका मन करता है तो आप अलग से पानी पीना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं सामने, एक बार प्राइस लिस्ट की तरफ ध्यान दे दीजिए। सिंधी स्पेशल जो पानी है आपका 10 रुपए मिलने वाला है, दही भल्ले की प्लेट 90 रुपीज है, गोलगप्पे 4 पीसेस हमारे 30 के है, भरवा गोलगप्पे जो हमने, ये इमली का पानी खट्टा मीठा, दो दो पानी आ गया मेरे हाथ में। ये वाला ट्राई करते हैं। वाह, दिस इज मच बेटर देन आई थिंक। तो बहुत ही गाइस इसके अंदर मुझे जो स्वीट एंड सॉर का टेस्ट आ रहा है ना पानी के अंदर, आप देख सकते हो कलर इसका ग्रीन ही है, मगर जो इसके सॉल्ट है ना, सॉल्ट और इमली का, गुड़ का जो टेस्ट है, उसका जो मजा है ना इसका, कोई जवाब ही नहीं है। खट्टा मीठा पानी है ये वाला, बहुत ही आनंद दे रहा है, और मैं दोनों पानी को अपने एंजॉय करती हूँ। इसी के साथ आपको दिखाती हूँ अपनी दूसरी डेस्टिनेशन,
करते हैं अपने ब्लॉग का यही एंड। जो जो फ्रेंड्स आपके भल्ले पापड़ी और चाट के दीवाने है ना, कर दो उनको टैग, शेयर कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, लाइक कर देना वीडियो को और एक बार आना यहाँ और याद करना पापड़ी को। बाय गाइस, एक चीज जो आपको दिखाना चाहती हूँ, देखो एक प्लेट भल्ले पापड़ी एक प्लेट कॉम्बो मिलने वाला आपको गोलगप्पे का सिर्फ 110 दैट इज 110 में आपको मिलने वाला गाइस इनका कॉम्बो। और कॉम्बो के साथ अगर आप सिंगल लेते आपको मिलने वाला ये सब घर से रेडी करके लाते हैं और ये मिलने वाला आपको इवनिंग टाइम में।